एक आ जाता है 2 महीने बाद पैसे आ जाएंगे, खाता नंबर दे दो, एक आधार कार्ड दे जाओ, बैंक की किताब दे जाओ। फोन पहुंचाया ना कुछ पहुंचाया, फिर दोबारा कागज जमा करने के लिए बोल रहे हैं। तीसरी किस्त ले आती हूँ तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कहता हूँ कि 1 महीने में किस्त आ जाएगी, 2 महीने में किस्त आएगी। वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, पैसों वालों को बनते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ कि वो उनसे वो है जान पहचान है उन लोगों का, कुछ जल्दी काम हो रहा है, वो गरीब आदमी की कौन सुन रहा है, यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। अम्बू डेरे में रह रहे हैं हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई हमारी नहीं कोई करता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। रोटी कपड़ा और मकान ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती हैं, और आज सड़कों पर खड़े आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अपने हाथों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अपना जाति प्रमाण पत्र, ऐसे दस्तावेज लिए ये लोग जो खड़े हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज हमारे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, रहने की कोई सुविधा नहीं है। सरकार लाख दावे करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसे में ये लोग भला क्यों पीछे रह गए हैं। हम जानते हैं इन लोगों से कि आखिर इनकी समस्या क्या है। डूडा कार्यालय पर पहुँचे ये लोग, इनका कहना ये है कि हमारे पास मकान नहीं है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? आशा नाम है मेरा। अच्छा आशा जी, ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई हैं? हम घर मकान के लिए आए हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, हमारे कोई घर मकान नहीं है। आए दिन बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की जाती है, ना कोई स्कूल है ना घर मकान है, रहने के लिए तंबू डेरे में रह रहे हैं हम। हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई हमारी नहीं कोई करता है। जहाँ भी जाते हैं वहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है हमारी। अच्छा आप बताइए, आप किस लिए आए हैं? घर मकान के लिए आए हैं हम, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, हमारा कोई जमीन जायदाद नहीं है, हमारे लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, हम तो ऐसे रोड पर रहते हैं। क्या कहना है आपका, आप आगे आइए, क्या कहना है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी, ये बताइए क्या समस्या है तुम्हारी? जगह नहीं है, हम बरारी रहते हैं, सड़क पे हमारे बच्चे छोटे छोटे आ जाते हैं, परेशान रहते हैं, हमारी बहन बेटी की छीना छानी करते हैं, छेड़ा छाली करते हैं बच्चे वहाँ पर। इन सभी का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर ताराचंद गोस्वामी जो इनके नेता के रूप में यहाँ मौजूद हैं। ताराचंद जी, आखिर है क्या समस्या, ये पूरे आप बताएं। असलियत में ये जो लोग हैं ऐसे तो हमारे मथुरा में लोग कहते हैं भूबड़िया, वास्तव में ये लोग जो है गाड़िया के नाम से है। इनका जो जाति प्रमाण पत्र है गाड़िया उर्फ लोहार के नाम से बना हुआ है। दो दो पीढ़ी यहाँ पर इन लोगों को रहते हो गए, कंकाली पे रहते हैं, कुछ लोग जो है महेंद्र नगर में रहते हैं, मसानी में रहते हैं, पूरे शहर में ये रोड के किनारे पर निवास करते हैं। इन्होंने एक एक सोलह को एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग जब जाते हैं अपने कहने के लिए तो इनको धक्का मार के, बदतमीजी करके इनको भगा देते हैं। क्या किसी संबंधित विभाग से इन लोगों ने संपर्क किया? हाँ, एक एक सोलह को बताया ना मैंने आपको, ये डूडा विभाग को ही दिया है एक एक सोलह को। और आज ये कई लोगों ने, किसी ने कहा होगा मीडिया वालों ने, लोकल मुझे सब जानते हैं कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गोस्वामी जी संपर्क किए। मैं इनके संपर्क में आया और इनको 22 तारीख को पिछली को हम जिला मुख्यालय पर गए थे, तो वहाँ जिलाधिकारी जी डिप्टी कलेक्टर यादव जी हैं उनको कह के चले गए, उन्होंने हमारा मांग पत्र लिया, उन्होंने कहा गोस्वामी जी आप मदद तो कर ही रहे हैं, तो एक जो है इनकी अप्लाई आप डूडा विभाग में कराइए। तो आज ये लोगों को लेकर के हम डूडा विभाग परियोजना अधिकारी को हमने एक ज्ञान पत्र मांग पत्र दिया है और आवास के लिए दिया है। वास्तव में ये जो सरकार कहती है कि हम जो जीरो से लेकर के काम करेंगे, तो इनसे ज़्यादा जीरो, इनसे ज़्यादा सड़क पर रहने वाला कौन हो सकता है इस देश के अंदर में, जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई मकान नहीं, जिनको दो दो पीढ़ी हो गए, जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका वोटर कार्ड है, जिनका आधार कार्ड है, जिनके पासबुक है, और क्या चाहिए। ये पूरे यहीं के लोग हैं, यहीं के नागरिक हैं। हम ये आपके चैनल के माध्यम से हमने परियोजना अधिकारी को आज ज्ञापन देते समय चैलेंज दे दिया है, यदि आपने
उन्होंने इन लोगों की आवाज़ की, सुविधा नहीं की गई। तो इन लोगों को हम नेतृत्व करते हुए गाड़ियों में, बैलों में, गाय भैंस पूरे परिवार के साथ में, हम उनके कार्यालय को नहीं चलने देंगे और वहीं पर हमारी रोटी बनेगी, वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे। और इनका जो ये मस्ती मार रहे हैं ना, जो मलाई खा रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूडा विभाग जो डूबा हुआ है, हम निश्चित रूप से उसकी कलई खोलेंगे। आप डूडा विभाग की कलई खोलना चाहते हैं या इन लोगों को मकान दिलाना चाहते हैं, क्या संकल्प है आपको? हमारा संकल्प है कि इनको मकान मिलना चाहिए। जब मकान मिलेगा तो हमें क्या जरूरत है, मकान दे दें, नहीं देंगे तो फिर आप जानते हैं कि यदि वो सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हमें फिर टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, आप वोट डालते हैं कभी किसी को? दिए थे, वोट दिए थे, वोट देते हैं। हाँ, आपने वोट दिया कभी? भाई हम तो बलदेव में रहते, दिए वोट तो। आपने आपने वोट दिए? खूब दिए हमने, जिंदगी भर हो गई हमारे, देते थे घर मकान चाहते, सड़क पर रहते हैं सब, हमारी जिंदगी, बेटियां भी रहती है, बहन बेटी भी रहती है, कुछ नहीं है, हमारे बच्चे टकरा जाते हैं, खाने पीने कुछ रोजगार भी नहीं है, हमारे इतना गरीब है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ ये लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये लोग सरकार बनाने से लेकर के सिस्टम के साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए हमेशा उसके साथ तत्पर रहते हैं। सरकारों का कहना होता है कि हर छोटे से बड़े व्यक्ति के लिए वो काम करेंगे, लेकिन अब ऐसे में अगर इन लोगों के पास मकान नहीं है, डूडा विभाग पर इनका साफ तौर पे आरोप है कि डूडा के कर्मचारी, डूडा के अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं करते, ऐसे में भला कब तक डूडा विभाग या संबंधित विभाग इनकी सुनवाई कर पाएंगे और कब इन लोगों को मकान मिल सकेगा और कब एक अपनी छत के नीचे ये जाकर अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करने में सफल होंगे। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।